किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल के चटपटे और स्पाइसी पकौड़े। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कटहल की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कटहल लिया है। इसको मैंने छोटा छोटा काट के अच्छे से धुल के और बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के लिए मैंने आधा ग्लास पानी डाला है कुकर में और आधा चम्मच नमक और दो तीन पिंच हींग। हींग इसलिए मैंने डाला क्योंकि हींग डाइजेस्ट बहुत अच्छा करती है। और उसके बाद मैंने एक सीटी लगा के बॉयल कर लिया। एक कटोरी बेसन, आधी कटोरी चावल का आटा, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी यूज कर सकते हैं, आधा कटा हुआ प्याज, ग्रीन चिली दो चम्मच, आधी चम्मच अजवाइन नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर एक चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, दो तीन कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, टमाटो सॉस एक चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया। अब इसमें हम बेसन डालेंगे और चावल का आटा ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें की सारी गुठलियाँ चली जाएं। कटहल की पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। बरसात के महीने में तो कटहल की पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बैटर को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा गाढ़ा ही घोलेंगे। बैटर को हम अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। इसके लिए हमने अजवाइन लिया, अजवाइन को हम अच्छे से क्रश करके और इसमें डाल देंगे। अजवाइन हमने डाल दी है, अजवाइन भी डाइजेस्ट करती है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए डालेंगे कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस दो चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस एक चम्मच। रेड चिली सॉस डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हम कटहल में भी ऑलरेडी डाल चुके हैं और सॉस में भी नमक होता है। अब हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें कटहल ऐड करूंगी। कटहल को भी मैं अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि आपका बैटर पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ये मैंने कटहल को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी और गैस के फ्लेम को ऑन कर दूंगी और तेल को गरम करूंगी। तब तक हमारा बैटर रखा है, तब तक हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस के फ्लेम को हाई टू मीडियम रखा है और तेल हमारा गरम हो जाएगा तब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। तो हम तेल को चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें बैटर डालेंगे। अगर बैटर ऊपर तल के आ जाता है तो इसका मतलब तेल अच्छा हो गया है। तेल हमारा अच्छा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें पकौड़े डालेंगे क्योंकि तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाकर तेल में डालूंगी। आप देख सकते हैं पकौड़े दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें
एक प्लेट में निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ा सा किनारे से साइड करेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाए। अब हम इसी प्रोसेस में और पकौड़े डालेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। पकौड़े डालने के बाद मैं इसे हाई कर दूंगी। इस तरह से हम सारे पकौड़े कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाला है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाला है क्योंकि ग्रीन चिली सॉस डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस डाला है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये वाले पकौड़े भी मैंने पलट पलट के फ्राई कर लिए, बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। गैस के फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। सारे पकौड़े मैंने बना लिए हैं। पकौड़ियों को सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, जब आप पकौड़ियों को फ्राई करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप पकौड़ियों को डालें कढ़ाई में तो गैस के फ्लेम को लो रखें, उसके बाद जब इनको फ्राई करें तो गैस की फ्लेम को हाई कर दें जिससे कि पकौड़ियाँ अंदर से पक जाएँ और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएँ। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।